मतदान करने के बाद भाजपा कांग्रेस प्रत्याशियों ने जीत के प्रति अपने अपने दावे किए हैं। भाजपा प्रत्याशी नारायण पटेल ने कहा कि मतदान भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लंबे समय तक कार्य करेंगे। जीतने के बाद मैंने 6-7 सौगातें मांगी हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी स्वीकार किया है। वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाने के लिए गांव गांव गली गली जाऊंगा। यह चुनाव रोचक है, जनता का प्रेम आशीर्वाद हमको मिला है, जनता सर्वोपरि है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी उत्तमपाल सिंह ने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। जिन लोगों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं मतदाताओं को ठगा है, उनको सबक सिखाने का चुनाव है। कांग्रेस के पक्ष में आम मतदाता है। उत्तमपाल सिंह ने आरोप लगाया, धन बल का खुला प्रदर्शन किया गया है। प्रशासन भी दबाव में काम कर रहा है, इसलिए जनता सबक सिखाने को तैयार है। मतदाता कांग्रेस को विजयी बनाने का मन पहले से ही बना चुकी है। मानधाता से कांग्रेस की जीत होगी। खंडवा से जावेद खान, एलजी की रिपोर्ट। पक्ष में है और कुछ जगह पे मशीनों की दिक्कत थी और मैं और देख के आया बाकी स्टार्टिंग अच्छा है। काफ़ी संघर्ष किया है, काफ़ी घरों घर जाके भी आपने प्रचार किया है, क्या लगता है मतदाता को मुंह देख के किस स्थिति में या कांग्रेस? देखिए बात ये चुनाव बीजेपी कांग्रेस चुनाव नहीं, ये चुनाव जो था इन लोगों ने मतदाता की जनता को ठगा है, इसका चुनाव था। इन लोगों ने इस बार कांग्रेस कार्यकर्ता और मतदाता की जनता को बेचा है, उसका चुनाव था। ये चुनाव जो था धन बल का चुनाव था। राज्य में अगर आप लोग यहाँ थे तो आपने देखा होगा क्या स्थिति, प्रशासन जो है मौन था। एक घटना हुई थी अंत्या में रात में, मैंने जो है एसपी साहब और कलेक्टर साहब को फोन किया, एक आदिवासी को वहाँ के सामाजिक कुछ बंधुओं ने उसको मारा। मैंने जब एसपी कलेक्टर साहब को अवगत कराया तो 1.5 घंटे बाद तो उनकी कोई टीम पहुंची है। तो ये प्रशासन के दबाव में ये सब हो रहा है, पर जनता सब जानती है और जनता इनको सबक सिखाएगी। हर केंद्रों पर नज़र बनाए रखे हैं, कहीं से कोई शिकायत मशीन को लेके कुछ? जैसे तो महोद में थी और भी एक दो जगह ऐसी खबर आती है, किलो तरफ पे एक जगह से आया था, वो रिजॉल्व हो गई है, वोटिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है भैया, आपका वो वित्तीय वाला बता पूछे चलो रोल पटेल साहब, मतदान किया जी, बहुत उत्साह के साथ मतदान किया, क्या मैसेज है, क्या उम्मीद है? देखिए मतदान मानधाता विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान लंबे टाइम के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने काम किया है, जनता चाहती है। आपके नेता विकास की बात करें, जीतते से सबसे पहला काम कौन सा होगा? देखिए मैंने अभी जीतने के बाद बड़ी बगड़ी 6-7 सौगातें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से वादा किया है, आग्रह किया है और उन्होंने स्वीकार किया है। और बाकी जन कल्याणकारी योजना जो जमीन पे पिछले टाइम कुछ रुकी हुई थी उसको गति देने के लिए गांव गांव जाऊंगा, मोहल्ले मोहल्ले जाऊंगा, हमारे गरीबों की सेवा करना वही मेरा उद्देश्य है। ठीक, और कोई क्वेश्चन किसी का? ठीक, क्या लगता है जनता के बीच में जो मुद्दे लेके बैठे प्रभावशाली दिख रहा है? देखिए जनता के बीच में मैं और जनता, इस बार का चुनाव ये उपचुनाव है, बहुत रोचक चुनाव है सर, मुझे इतनी प्रसन्नता है और जनता भी इतनी ऊर्जा है। मैंने चुनाव 1995 से लड़ा मगर ये चुनाव में